हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 इयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है। इसके बाद आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be। एक तो 7 years ago और एक 3 years from now, टू conditions है यहाँ पे। Represent this situation algebraically and graphically। तो ये जो situation है इसको हमें algebraically और graphically represent करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने basic video में भी इसके बारे में discussion की थी। तो आइए देखते हैं हम question number 1 को। यहाँ पे जो बात हो रही है, बेसिकली बात हो रही है आफ्ताब और उसकी जो डॉटर है, उसकी जो बेटी है, उसकी एज के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स हो गए, एक तो आफ्ताब की एज और एक उसकी डॉटर की एज। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम लिखते हैं कि लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो हमने ये मान लिया कि इस समय जो आफ्ताब की एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स है। ठीक इसी तरह से एंड आफ्ताब्स डॉटर एज, आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज, उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज मानी हमने वाई ईयर्स। तो यहां पे हमने आफ्ताब की एज को, प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, एक्स ईयर्स, और उसकी डॉटर की जो एज है उसको हमने क्या मान लिया, वाई ईयर्स। अब कंडीशन जो है उसकी हिसाब से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 इयर्स एगो, 7 ईयर एगो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, इसमें से 7 कम कर देंगे। मान लो आफ्ताब की एज 47 ईयर है, तो 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 40 इयर्स। ठीक इसी तरह से अगर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 इयर्स के बाद वो कितनी हो जाएगी, 3 प्लस कर देंगे तो 50 इयर्स हो जाएंगे। पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, बाद की बात कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे। अब यहां से बात हो रही है कि 7 इयर्स एगो 7 साल पहले की बात है, तो 7 साल पहले आप लिख सकते हैं कि 7 इयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी, इसमें से 7 लेस कर देंगे, एक्स माइनस 7 इयर्स एंड 7 इयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब डॉटर वाई माइनस 7, इसमें से भी 7 माइनस हो गया। एक तो ये बात, अब क्या कहा गया इसमें कि यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस जगह की बजाय यहां लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ये जो आफ्ताब है वो 7 टाइम्स है,
सेवन टाइम इज सेवन से मल्टीप्लाई, मतलब सात गुना है उसे। जो आफ्ताब है उसकी जो एज है वो सेवन टाइम्स है उसकी डॉटर की एज से। आफ्ताब की एज एक्स माइनस सेवन, डॉटर की एज वाई माइनस सेवन। अब देखो करना क्या है, आप देखो यहां पे मान लो मैं ये कहूं कि 14 है वो 2 का 7 टाइम है, बिल्कुल है 14 है जो 2 का 7 टाइम है। अगर 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दू तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं अगर कहूं कि 15 जो है वो 3 का 5 टाइम है, तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दू तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम है उसकी डॉटर की एज की, यानी कि अगर मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दू तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई ये चीज आपको समझना है। यहां से कोई पिता है जिसकी जो एज है वो 40 ईयर है और उसकी डॉटर की एज 10 ईयर है, तो जो फादर की एज है वो डॉटर की एज का 4 टाइम है। देख लो 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगी। तो जो फादर्स एज इज 4 टाइम द डॉटर्स एज, तो अगर मैं डॉटर की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे सिचुएशन ये है कि फादर की जो एज है वो 7 टाइम्स है डॉटर से, तो 7 की एज को अगर डॉटर की एज को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहां पे x माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन वाई, सॉरी यहां पे सेवन है, सेवन वाई माइनस 49। अब यहां से देखो y की टर्म को इधर लेते हैं, x माइनस सेवन वाई, ये प्लस का सेवन वाई था इधर आके माइनस का सेवन वाई हो गया। और इसको भी इधर लेके जाना चाहते हो तो इसको भी इधर लेके जा सकते हो। तो ये माइनस पहले ऐसे कर लेते हैं कि x माइनस सेवन माइनस सेवन वाई और प्लस 49 दैट इज इक्वल टू जीरो। जो सारी टर्म है वो लेफ्ट साइड में ले ली, तो सेवन वाई तो क्या हो गया माइनस का सेवन वाई, माइनस के 49 क्या हो गया प्लस के 49। तो यहां से हमारे पास x माइनस सेवन वाई, एक्स फिर उसके बाद y की टर्म, माइनस के 7 और प्लस के 49, तो प्लस के 42 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने जो कंडीशन थी उसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एक हमारे पास कंडीशन ये आपकी यहां पे पहुंची हम। अब जो उसने दूसरी कंडीशन बताई है, दूसरी सिचुएशन बताई है, उसको देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, दूसरी सिचुएशन में हमारे पास है अगेन, दूसरी सिचुएशन में उसने कहा है कि आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद हम लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 इयर्स। आफ्ताब की एज कितनी है एक्स, 3 इयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3 इयर्स। एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर आफ्टर 3 इयर्स ये हो जाएगी वाई प्लस 3 इयर्स। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज है एक्स प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज है वाई प्लस 3, कितने टाइम है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब ये एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 9, सारे सबको लेफ्ट साइड में लिखे, तो अगर x प्लस 3 माइनस 3 वाई और माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 3 वाई, पहले x की टर्म फिर y की टर्म और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दूसरी कंडीशन आ गई। अब देखो हमारे पास एक तो आ गया x माइनस सेवन वाई प्लस 42 दैट इज इक्वल टू जीरो, और एक आ गया x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 42 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आ गया रिप्रेजेंट द सिचुएशन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन है यहां पे ये ना हमारे पास रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाता है इसका जो ये सिचुएशन दी गई है। तो एक पार्ट हो गया हमारे पास, क्या किया हमने एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब प्यारे बच्चों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में जो दो हमें लीनियर इक्वेशन मिली थी उन दोनों को हमने लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या मिल गया जिसे हमारे चैप्टर का नाम है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर मिल गया ना हमें, दो इक्वेशन मिल गई हमें, तो ये पेयर मिल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है एक्स और वाई। अब यहां पर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। नाइन्थ क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये इनका जो ग्राफ होगा वो लाइंस होगी, तो लाइंस प्लॉट करने के लिए हमें टू टू पॉइंट्स चाहिए। तब हम क्या करते हैं देखो, यहां से टू पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम x को जीरो मान लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर देते हैं, ये तो जीरो हो गया। माइनस सेवन वाई प्लस 42 दैट इज इक्वल टू जीरो, माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42, ये प्लस का 42 इधर आगे माइनस का 42 होगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7, 7 बन जाए 7, 6 गया तो 6 आ गया, यानी कि हमें पॉइंट मिल गया x 0 और y 6। पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे, एक पॉइंट मिल गया। अब की बार हम y को 0 पुट कर देते हैं, तो व्हेन y इज इक्वल टू 0। सबसे आसान तरीका ये हो सकता है, वैसे आप पुट कुछ भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, हर एक टीचर्स का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। तो यहाँ पे मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये यूज किया। कुछ टीचर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि सारे काम को या तो एक्स में रिप्रेजेंट कर लें या वाई में रिप्रेजेंट कर लें, तो ये बेसिकली सबसे सिंपल तरीका है, तो हम इसको फॉलो कर लें। यहाँ पे आप वाई को अगर जीरो पुट कर दें तो ये सेवन के जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा यहां से x, ये पार्ट तो जीरो ही हो गया, x प्लस 42 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहां पे हम पहले x लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, माइनस 42 और जीरो, x माइनस 42 और y जीरो, तो टू पॉइंट्स हमें मिल गए। कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए हमें टू पॉइंट्स की जरूरत होती है जो कि हमें मिल गए। अब इस पे आ जाए, यहां पे हम इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब हमने x को जीरो रखा तो ये जीरो, माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, वाई इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई थ्री, माइनस यहां लगा देते हैं, ये माइनस हमने आगे लगा दिया, थ्री वन थ्री टू पे, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टू। तो पॉइंट हमें मिल गया एक्स टू जीरो वाई माइनस टू। ठीक इसी तरह से व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स थ्री इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो x ये तो खत्म हो गया, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू सिक्स। अब की बार पॉइंट मिल गया हमें सिक्स और जीरो, तो x हमारा सिक्स है और y जीरो है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, हमें इसको प्लॉट करना है, तो हम यहाँ पे बोर्ड पे कर रहे हैं। ग्राफ पेपर आपको पता ही है कि ग्राफ पेपर किस तरह से होता है, आपके पास जो ग्राफ पेपर है कुछ इस तरह से ग्राफ पेपर होता है जिसमें आपको प्लॉट करना होता है ये इन सिचुएशंस को, तो इस तरह से आप इनको प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ पेपर पे आप इस तरह से इनको प्लॉट करेंगे,
तो कोई समस्या इसमें नहीं आएगी आपको, आप बड़ी आसानी से इनको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आप सिखा रहा हूँ, आप इनको ग्राफ पेपर पे ही करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज एक बार देख लें, जीरो है, सिक्स है, माइनस 42 है, जीरो है, और हमारे पास है जीरो माइनस 2 है, और हमारे पास सिक्स है और जीरो। अब ये जो रेंज है, आप या तो आप ऐसा करें कि सिक्स सिक्स का डिफरेंस ले लें या फोर फोर का डिफरेंस ले लें, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप जो डिफरेंस है वो कितना लें, या फिर आप फाइव फाइव का ले लें, क्योंकि जब आप फाइव फाइव का लेंगे जो बीच की लाइन है उनको आप वन काउंट कर लेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका इजी रहेगा। क्योंकि इस ग्राफ पेपर में अगर हम बात करें, मैं ये ग्राफ पेपर दिखाऊं आपके पास, जैसे एक एक बॉक्स के अंदर भी छोटी 10 लाइंस हैं, तो आप जीरो से वन, वन से टू इस तरह से भी जा सकते हैं, या फिर आप जो बीच की 10 लाइन है उनके लिए फाइव स्केल ले लें, तो आप जीरो फाइव करेंगे, यानी कि अंदर की जो टू लाइंस हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी, वन के इक्वल हो जाएंगी। इस तरह से आपको सोचना है। अब यहां से अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें और इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, तो यहां से एक ये जो है वो बड़ी वैल्यू है थोड़ी, बाकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, बाकी सारी हमारे पास कंट्रोल में है। तो ये हमारे पास माइनस 42 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो जाती है, बाकी ठीक है। अब माइनस 42 जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखो आपके पास ये इस तरह से है बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पे ही करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो ये हमारा एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और ये ओरिजिन, एक्स जीरो है, वाई सिक्स है, तो हमारे पास y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है। अब पहले हमें स्केल फिक्स करना है कि क्या स्केल ले हम, ये 42 है तो हम 5 का स्केल ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, माइनस 25, माइनस 30, माइनस 35, माइनस 40, माइनस 45 एंड सो ऑन। यहां से माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, माइनस 25, माइनस 30, माइनस 35, माइनस 40, इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। अब आप देखेंगे माइनस 45 वो कर लें, माइनस 45 जीरो, आपके पास जो ग्राफ पेपर है इसके बीच में 10 लाइंस है, बीच बीच में भी। तो अब देखो यहां पे 10 लाइंस के बाद अगर 5 आया हुआ है, इसका मतलब 2 लाइन 1 के इक्वल है, इसके बीच में छोटी छोटी 10 लाइंस भी है, तो इसका मतलब यहां पे हम 5 ले रहे हैं, यानी कि बीच की 2 लाइन 1 के इक्वल है। फिर अगले 2 पे 2 लिखा जाएगा, फिर अगले 2 पे 3 लिखा जाएगा, फिर उससे अगले 2 पे 4 लिखा जाएगा और 5 आ जाएगा अगले पे, ठीक है। अगर मैं यहां 10 लिखता हूं तो अंदर वाली एक लाइन एक इकाई के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। अब आप एक्स जीरो वाई सिक्स है, एक्स जीरो है और वाई सिक्स है, एक्स जीरो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, वाई सिक्स। अब देखो अंदर की जो 10 लाइने है वाई सिक्स, फाइव तो ये रहा, अंदर की जो 10, 5 के बाद 6 आएगा, यानी कि जो अंदर की 10 लाइन है उसमें 2 सेकंड जो लाइन है, दूसरी जो लाइन है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 10 है, जो दूसरे नंबर पे लाइन है उस पे आप यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा क्या, 0 और 6, x 0 और y 6, ठीक। इसी तरह से
दूसरा जो पॉइंट है x माइनस 42 है और y 0 है, x माइनस 42 और y 0। अब y 0 x एक्सिस पे होता है, अब 42 है माइनस का 40, टू लाइंस के बाद 41 आ जाएगा, फिर अगले टू लाइंस के बाद 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे टू लाइन के बाद 41, फिर अगले टू लाइन के बाद 42, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास 0 और माइनस 42, सॉरी x 42 है, x माइनस 42 है और y 0 है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आप मिला दोगे, स्केल के साथ आप ये काम करेंगे, अभी हम रफ कर रहे हैं इसको, आप इन दोनों को मिला दोगे, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। स्केल के साथ आप ये काम करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, यहां तो हम मार्कर के साथ ही कर रहे हैं, तो अब ये देखो ये जो लाइन है वो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कि एक्स माइनस 7y प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं इसी पे, दूसरा जो है हमारे पास, जब x 0 है तो y माइनस 2 है, देखो y एक्सिस पे x 0 होता है, y कितना है माइनस 2, अब देखो एक टू लाइन के बाद माइनस 1 और टू लाइन के बाद माइनस 2, तो यहां कहीं आ जाएगा, ये आ गया x 0 y माइनस 2, और एक है x 6 y 0, x एक्सिस पे y 0, ये 5 है, 5 की टू लाइन के बाद ये 6 आ जाएगा, यहां पे 6 आ, इसको हम यहां से मिला देते हैं, यहां पे अगर हम इसको मिला देते हैं तो इस तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे, तो इस पे जो ये है आपके पास, क्योंकि ये हम स्केल से नहीं कर रहे हैं तो इसमें से थोड़ा सा ये आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आ सकती है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें कि ये स्केल के साथ और पेंसिल के साथ ग्राफ पेपर पे ही आपको करनी है, इस पे आप लिख दें कि ये हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास जो दूसरी लाइन है उसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये हो गया, ये जो सिचुएशन हमें दी हुई थी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आपको जो कंडीशन है उसमें उन कंडीशन के हिसाब से वेरिएबल मान लें, वो जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से फिर आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, मीन्स एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और फिर इस तरह से पॉइंट्स निकाल के उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको आप अगर ग्राफ पेपर पे करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, तो आइए एक बार इसको ग्राफ पेपर की सहायता से भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि हम ग्राफ पेपर पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, जो उसका जो ग्राफ है वो हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास एक जो लीनियर इक्वेशन है वो है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, इसके दो पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक इसी तरह से जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसके टू पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ग्राफ पेपर पे हम इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे इस पे आते हैं, आप देखेंगे कि ये हमारे पास, अब आपको ये एक ग्राफ पेपर आपको नजर आ रहा है, तो इसमें एक साइड में ग्रीन कलर का ये पेपर है, इसमें एक साइड में बहुत सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स लगी हुई हैं, बीच में कुछ डार्क लाइंस हैं और थोड़ी लाइट शेड की लाइंस हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं आपको मीडियम शेड की लाइन भी नजर आ रही है, और दूसरी साइड में राइटिंग के लिए जो आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं उसके लिए जगह है। तो इस ग्राफ पेपर की हम बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये जो हमारे पास है वर्टिकल लाइंस है। जनरली हम क्या करते हैं ग्राफ पेपर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनमें से किसी एक को हम एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसमें से किसी एक को हम वाई एक्सिस चूज कर लेते हैं, कहीं बीच में हम चूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन किसी भी एक बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किसी भी एक बॉक्स की अगर बात करें तो आप उसको देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि जैसे यहां ये एक डार्क लाइन है और यहां इसके बीच में
इन दोनों के बीच में, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करूं तो इनके बीच में देखो आप देखेंगे कि इनके अंदर 10 लाइंस हो रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहां से आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपके स्केल को फिक्स करने में इनका बड़ा रोल रहेगा। तो आप देखेंगे कि किन्हीं भी बॉक्स के बीच में आपको 10 लाइंस नजर आएंगी, या ये कह लो कि 10 बॉक्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरी बात, किन्हीं भी दो डार्क जो ये लाइंस हैं, इनके बीच में आपको एक कम डार्क लाइन भी नजर आएगी ये बीच में। ये बताने के कि इन दोनों का जो बीच है, मिड है, वो ये है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सिचुएशन क्लियर होगी। देखो आपको ये ज्यादा डार्क लाइनें नजर आ रही है और इसके बीच में एक कम डार्क लाइन नजर आ रही है। तो तीन तरह से है, एक डार्क, एक मीडियम डार्क और एक बिल्कुल लाइट है जो। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपके स्केल के फिक्स करने में काफी हेल्प करेंगी। अब हम देखते हैं कि हम अपने जो क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए हम इसका ग्राफ क्या लें। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो हम पॉइंट्स लेंगे, हमने जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो 5-5 का स्केल लिया था, तो यहां पे हमने 5-5 का स्केल लिया था। तो आप क्या करेंगे, बीच में कहीं यहां इसको आप इसको कहीं इस पे, यानी कि इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, जहां भी आपको भी इसका सेंटर सा नजर आए इस पूरे ग्राफ पेपर का आपका, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से मुझे ये ठीक लग रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ओरिजिन मान लें और इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले प्लॉट कर लें और स्केल इसमें फिक्स कर लें। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर लेते हैं, यहां इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो अब हम एक्स एक्सिस के लिए एक लाइन लगा देते हैं। इस तरह से हम एक एक्स एक्सिस के लिए लाइन लगा देंगे, ये हमने लाइन लगा दी एक्स एक्सिस के लिए। ठीक इसी तरह से हम वाई एक्सिस के लिए भी इस तरह से। आप एक बात ध्यान रखें, ग्राफ पेपर पे आप जब भी काम करेंगे तो वो पेंसिल के साथ करेंगे, क्या, क्योंकि अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेज करके दोबारा से यूज कर सको। अब यहां से हम ये एक्स एक्सिस हमारा, तो यहां हम एक्स लिख देते हैं, यहां एक्स डैश लिख देते हैं और ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। अब हमने जो स्केल लिया है वो 5-5 का लिया, मींस यहां पे हमारे पास 5 है। चलो मैं इसको ब्लैक पेन से कर लेता हूं, थोड़ा सा और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप पेंसिल के साथ ही करेंगे, मैं आपको क्लैरिटी के लिए सिर्फ इस वजह से पेन यूज कर रहा हूं। 5 ये 10, यहां पे 15, ये हमारे पास 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45। इधर आके ये माइनस में हो जाएंगे, -5, -10, -15, -20, -25, -35, -30, -40। जितने की हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, हमें एक और की जरूरत तो पड़ेगी, तो हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और यहां पे लगा देते हैं और ये जो हमारा पॉइंट आ जाएगा, देखो हमें जरूरत पड़ेगी ना इसकी, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और यहां पे हम क्या लिख देंगे, -K 45। तो ये हम यहां पे -45 लिख देते हैं। ठीक इसी तरह से वाई एक्सिस पे ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। भाई यहां पे आप ऐसे एरो लगा दें, ये हमारा वाई है,
यहाँ पे -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, यहाँ पे आप नीचे कहीं एरो लगा देंगे तो वो वाई डैश हो जाएगा। नीचे कहीं पे जाके ये इस तरह से यहाँ पे हम वाई डैश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स, ऊपर वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया। अब आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो लाइन वन के कोरस्पोंडिंग हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं मैं उस पॉइंट को। यहां से अगर हम ले उस पॉइंट को, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो है 06, x0 y6। अब देखो y एक्सिस पे x जीरो होता है, y एक्सिस जो होता है हमारा उस पे x जीरो होता है। अब देखो ये 5 है और ये 10 है, तो इसके बीच में कहीं 6 आएगा। अब आप देखेंगे इनके बीच में 10 लाइन्स हैं छोटी छोटी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसके बीच की जो 2 लाइन है वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि 5 से 10 पे जाना है। तो यहां से 5 पे अगर हम 10 पे जाएं तो ये 6 होगा, उसके बाद 2 छोड़ के 7 होगा, उसके बाद 2 छोड़ के 8 होगा, उसके बाद 2 छोड़ के 9 होगा और ये हमारा 10 होगा। तो 6 हमारा 2 लाइन को छोड़ के, यानी कि यहां पे 6 है, ये पॉइंट हो गया हमारा x0 y6। दूसरा है -42 0, x-40 y0, x एक्सिस पे y0 होता है। अब देखो ये माइनस का 40 है। अब ठीक इसी तरह से अगर मैं इसको और अच्छी तरह से दिखाना चाहूं, तो यहां पे ये हमारा 40 है, अब ये 1 और 2, ये 41, तो ये हो गया हमारा 41, ये हो गया हमारा 42, 43, 44 और 45। तो यहां पे हमने 42 पे डॉट लगा दिया और आप इस डॉट को इस डॉट से मिला देंगे स्केल के साथ। ध्यान रहे पेंसिल का ही यूज करेंगे, इन दोनों डॉट को आप इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमने जो ग्राफ है वो प्लॉट कर दिया है। हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी x-7y+42=0, ठीक इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसके जो पॉइंट है हमारे पास x-3y-6=0 के लिए, एक तो है x0y-2। तो देखते हैं x0y-2, यानी कि हमारे पास x0 तो y एक्सिस पे मिलेगा, तो x0 है और y-2 है। अब देखो ये y-2 यहां पे 0 है, y x भी 0 है यहां पे, तो y एक्सिस पे मिलेगा y-2 तो कहीं पे, क्योंकि कितना चाहिए हमें x0y-2। तो यहां पे देखो ये 0 है, 2 डॉट दूसरी के बाद ये -1 हो जाएगा, फिर 2 छोड़ के -2 हो जाएगा, फिर ये हमारे पास देखो ये 0 है तो यहां पे आएगा 2 छोड़ के 1 और 2, फिर 2 छोड़ के यहां पे आएगा 4, फिर 2 छोड़ के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 2 छोड़ के 8 और ये फिर 2 छोड़ के 10, यानी कि यहाँ पे 5 पे पहुंच जाएंगे। 2 के पास के लिए होगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ये है, ये हो जाएगा -1 2 लाइन छोड़ के, फिर 2 और छोड़ देंगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। आप चाहें तो इन पॉइंट्स पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट था वो 0 और 6 था, ठीक इसी तरह से ये -42 और 0 था। यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट लगाया इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है यहां से कहीं इंडिकेट कर दे कि 0 और -2 है यहाँ पे। ध्यान रखेंगे देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 पे जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है 6 और 0, तो 6 0 x6। अब यहां से एक बार फाइनली और देख लेते हैं इसको, देखो ये 5 है, 5 के बाद 1 लाइन और 2 लाइन, तो यहाँ पे 6 होगा, फिर आगे चलें इसी तरह से तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, एक एक छोटे चलेंगे ये 9 हो जाएगा और फिर ये 10 हो जाएगा। हमें 6 चाहिए तो यहाँ पे x 6 हो जाएगा और y x एक्सिस पे 0 होता है। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट हो गया, इस पर हम आप लिख सकते हैं 6 और 0।
तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इसी तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ध्यान रहे आप पेंसिल से ही इस काम को करेंगे। तो ये हमारे पास प्लॉट हो जाएगा, जो हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसके कोरस्पोंडिंग। आप चाहे तो इस पर लिख दें कहीं कि ये हमारे पास सेकंड है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप किसी भी पेयर का, किन्हीं भी टू लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हो। अब आपको हमने अपने बेसिक वीडियो में बात की थी, किसी भी पेयर का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास तीन सिचुएशन हो सकती है। या तो वो टू लाइंस आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, सेकंड सिचुएशन थी हमारे पास कि वो दोनों ही लाइंस है जो वो पैरेलल हो, ऐसे कर दे बेशक आप इसको पैरेलल। और तीसरी जो हमारी सिचुएशन थी, थर्ड सिचुएशन थी, एक लाइन हम प्लॉट करेंगे उसके मान लो पॉइंट ये है और दूसरी बार पॉइंट ये आ जाते हैं, तो हम जब लाइन प्लॉट करेंगे वो भी यही बनेगी। तो तीसरी जो फर्स्ट हमारे पास सिचुएशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल और थर्ड कोइंसिडेंट। तो हमारे पास जो ग्राफ बना है उसमें जो लाइन्स हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा प्रैक्टिस करें, ध्यान से करें। आप जो मैंने ये स्केल चूज किया है, आप इससे डिफरेंट स्केल भी चूज कर सकते हो। आप 6-6 के पॉइंट्स भी ले सकते हो, आप 7-7 के भी ले सकते हो, लेकिन 7 का ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप 2-2 के लेंगे तो बड़ा ग्राफ आपको यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से 4 के आप ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या स्केल यूज करेंगे आप। क्योंकि हमने 5 के क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है 5 की टेबल तो यहां आ गई और बीच के 2 पॉइंट्स के लिए हम 1 मान लेंगे, तो 2 पॉइंट के लिए 1 मान लेंगे। अगर 6 चाहिए तो 2 के बाद हमारे पास 6 मिल जाएगा, 7 चाहिए तो 2 और आगे चल के 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने 5 का स्केल चूज कर लिया है। और अगर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए तो हम इसको मान लो 10 मान लेंगे। इसको अगर हम इस तरह से यहां पे हम 10 लें और ये 20 है और हमें 17 चाहिए, तो 1 है जो 1 के लिए इक्वल हो जाएगा, 1 जो लाइन है 1 यूनिट के लिए हो जाएगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि स्केल आपका जो पॉइंट्स है उनकी रेंज क्या है, उसमें जो नंबर्स आपके यूज हो रहे हैं वो कितने बड़े छोटे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहां से मुझे लगता है कि अब आपको जो ग्राफ है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन में कुछ और करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो सिचुएशन आपको और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।